हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है 1 जनवरी 2024, नए साल का पहला दिन। तो आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सब का ये नया साल मंगलमय हो। तो गाइस, आज 1 जनवरी है तो बच्चे भी हमारे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि मटर की कचौड़ी। तो आज हम अलग तरीके से मटर की कचौड़ी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा चटपटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चटपटे नाश्ते से। इसे मैं तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ, बहुत ही करारे और चटपटे ये मटर की कचौरी बनेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने खूब सारा धनिया ले लिया है, हरी फ्रेश धनिया, 2 हरी मिर्च, 1 रेड चिली और थोड़े से 1 इंच भर अदरक का टुकड़ा और ढेर सारे लहसुन की कलियाँ, यानी कि ढेर सारे बहुत नहीं, 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियाँ ले लिया है। अब इन सभी को एक ग्राइंडर जार में डालकर और दरदरा सा हम पीसेंगे। बिल्कुल फाइन हमें नहीं करना है, दरदरा सा जैसे हमें पेस्ट तैयार करते हैं दरदरा वाला, बस उसी तरह से। तो लीजिए, मैंने दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। ये नाश्ता एक बार आप बच्चों को खिला देंगे ना, तो यकीन मानिए आपके बच्चे बड़े जो भी हैं आपके घर में ना, इस कचौरी के दीवाने हो जाएंगे, यही बार बार डिमांड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, उसी बाउल में मैं यहाँ पर एक बाउल लिया है मटर के, ताज़े जो मटर होते हैं। आजकल ठंडियों में बहुत मटर आ रहे हैं, ऐसे में ये लगता है ना कि मटर के बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। तो आज हम कचौरी बना रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं मटर की कचौरियाँ। तो मटर को डाल के ग्राइंडर जार में इसे भी हमने दरदरा सा पीस लिया है, हमें बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है, दरदरा सा मटर को भी मैंने पीस लिया है। अब इस मटर वाले पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, मैंने सारे ग्राइंडर जार से निकाल लिए हैं मटर, ये देखिए कुछ इस तरह से दरदरा मैंने पीस लिया है। अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़े से ऑयल, यानी कि 1 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएंगे इसमें आधी छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, जीरा को अच्छे से तड़कने देना है। जीरा जैसे ही अच्छे से तड़क जाएंगे इसमें हम थोड़े से हींग डालेंगे, हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है कचौरी में। तो हींग डालने के बाद हम क्या करेंगे, जो मटर है उसे हमें डाल देना है जो मैंने दरदरा सा पीसा हुआ है, और ये मेरे हाथ से छूट गया था, कढ़ाई में डायरेक्ट बाउल गिर गया था, तो शुक्र था कि बच गए थे। तेल ज़्यादा मैंने डाला भी नहीं था, बाउल मेरा तेल में नहीं गया था, बस ऐसे कढ़ाई में गिर गया था। बस मटर को डालने के बाद इसे हम बढ़िया से भून लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। इसे चलाते हुए हमें इसी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 से 2 मिनट इसे भून लिया है बढ़िया से। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिससे चटपटा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच डाल दिया है धनिया की पाउडर, आधी छोटी चम्मच से मैंने कम रेड चिली पाउडर डाला है, और आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, और थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है जिससे कलर फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा मटर में। वैसे भी मटर का जो कलर रहता है गाइस वो अलग ही रहता है, फ्लेवर की तो बात ही छोड़िए, बहुत ही चटपटा आएगा। थोड़े से मैंने नमक डाल लिए हैं मतलब स्वाद के अनुसार, और यहाँ पर अमचूर पाउडर मैंने डाल दिया है 1 छोटी चम्मच। सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे बढ़िया से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने गरम मसाला का इस्तेमाल नहीं किया है गाइस, ये ऐसे ही बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार कचौरी आने वाला है गाइस। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से मसाले को 1 मिनट भून लिया है। 1 मिनट के बाद मैंने जो दरदरा सा पेस्ट तैयार किया था धनिया लहसुन हरी मिर्च अदरक का, उसे हमें डाल देना है। बस इसे हमें क्या करना है, अब इसे भूनते भूनते हमें 3 मिनट तक भून लेना है, बहुत बढ़िया से हमें 3 मिनट इसी तरह से चलाते हुए भून लेना है। बहुत ही अच्छा ये चटपटा कचौरी बनता है गाइस, एक बार इसे जरूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं तो इसे बना रही थी ना तो मेरे बच्चे मतलब लूट कर लिए थे, मतलब मैं दिखा ही नहीं पाई थी। ब्लॉग में भी देखेंगी ना तो केवल 3-4 कचौरी दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा, बच्चे बस निकाल निकाल के खाना शुरू कर दिए थे, मतलब दिखा भी नहीं पाए थे। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा काफ़ी अच्छे से भून चुका है जो मटर वाला मसाला है। तो अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद, इसे हम निकाल लेते हैं बाउल में। ये जब तक ठंडा होगा तो एक काम और कर लेते हैं हम, यहाँ पर बाउल में सारे मिक्सचर को मैंने निकाल दिया है तो इसे साइड में रख देते हैं। बढ़ते हैं गैस की, वापस से मैंने वही कढ़ाई लिया है जिसमें मैंने मटर को भुना था। इसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं 2.5 कप पानी, और साथ में हम डाल देते हैं नमक। नमक स्वाद के ही अनुसार डालिएगा क्योंकि मैंने मिक्सचर में भी डाला है नमक। अब पानी में जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम डाल देते हैं सूजी को। यहाँ पर मैंने सूजी लिया है 1.5 कप, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब सूजी को लगातार चलाते हुए इसे बढ़िया से डो के फॉर्म में कर लेना है, जैसे हम लोग आटे का डो तैयार करते हैं बस उसी तरह से हमें डो तैयार करना है, लेकिन ज़्यादा हमें सख्त नहीं करना है। बस हमें क्या करना है, जैसे हम सूजी डालेंगे तो देखिएगा पानी धीरे धीरे सूजी ऑब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा। तो इतना चलाना है गाइस कि बस हल्के हल्के से ये गीले रहें, ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा ड्राई कर देंगे, बहुत ज़्यादा गीला कर देंगे तब भी नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा ड्राई भी कर देंगे तब भी कचौरी नहीं बन पाएगा।
तो इसे लगातार चलाते हुए देखिए और बहुत ही मिनटों में बन जाता है गैस। और देखिए पानी बिल्कुल अब्जॉर्ब कर चुका है। बस एक मिनट और इसी तरह से हमें चलाते रहना है, एक मिनट भी नहीं लगता है गैस, थोड़ा कम ही लगेगा। और ये देखिए बिल्कुल अब हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम कर देना है बंद। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं ड्राई करना है कि बहुत ज़्यादा ड्राई कर देंगे तो बहुत बनने में प्रॉब्लम भी आएगी। तो बस गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, यहाँ पर हम लीड लगा देते हैं यानी कवर करके छोड़ देते हैं ताकि अपने भाप में अच्छे से ये पक जाए। तो बस अब इसे हम इकट्ठा करके इस पर कवर लगा देते हैं और गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने कर दिया है बंद। जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ठंडा हो चुका है, लेते हैं एक प्लेट, प्लेट में सारे मिक्सचर को निकाल लेना है। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा गर्म हो फिर आप इसमें हाथ मत लगाइएगा, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। जब ये हल्के हल्के से ठंडे हो जाएंगे, हल्के हल्के से गर्म रहेंगे, तभी आप इसे बढ़िया से मसलते हुए इसका डो तैयार कर लीजिए। जैसे हम लोग गेहूं का आटा का डो तैयार करते हैं, बस उसी तरह से हमें इस डो को तैयार कर लेना है। तो लीजिए डो हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब छोटे छोटे लोई लेते हैं, जैसे हम लोग कचौरी की लोई लेते हैं, बस उसी तरह से हमें लोई ले लेना है और इसका कटोरी शेप दे देना है। जैसे हम लोग कचौरी भरते हैं और कटोरी जैसा बना लेते हैं, बस उसी तरह से हमें कटोरी बना लेना है अंगूठे की सहायता से। और इसमें भर के मसाला ऐड कर देंगे, जितना आप भर सकें उतना भर लीजिए। बहुत ज़्यादा भर देंगे ना फटने का डर रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 चम्मच भर के डाल दिया है। अब इसे बढ़िया से रैप करते हुए, दबाते हुए इसे बढ़िया से रैप कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से रैप भी हो जाता है गाइस, बिल्कुल झंझट नहीं लगता है। ये देखिए इस तरह से हम रैप करते हैं कचौरियों को। और जो एक्स्ट्रा आटा बचता है गाइस, ऊपर की मुंडी जो निकलती है उसे हमें निकाल लेना है, ताकि इसे मत दबाइएगा, नहीं तो ये एक्स्ट्रा आटा जब बचता है ना तो बहुत मोटा पार्ट आता है कचौरियों में, तो बहुत ख़राब लगता है। बस ये देखिए हमारी कचौरी बन चुकी है। तो इसी तरह से सारे कचौरी को हमें बना लेना है, बहुत ही आसानी से बन जाता है गाइस। और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा करारे और चटपटे लगते हैं, एक बार ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा इस ठंडी में। तो हमारे घर में समझ लीजिए जब से मटर का सीज़न आ गया है तब से मटर ही मटर सब लोग खा रहे हैं। मटर का ये बना दो, मटर का चीला बना दो, मटर का वो बना दो, मतलब थक गए हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले को इसी तरह से कचौरी में भरते हुए इसी को रैप अच्छे से कर देना है, धीरे धीरे से इसे रैप करते जाना है और बहुत ही आसानी से रैप हो जाता है गाइस। और बचा हुआ एक्स्ट्रा जो आटा बचता है इसी तरह से निकाल लेना है, उसका मुंडी तोड़ लेना है। बस हमारी कचौरी इसी तरह से बनाती जा रही हूँ, बहुत ही आसानी से बनता जा रहा है। तो लीजिए मैंने 5 से 6 कचौरियाँ बना लिया है, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तब तक मैं दूसरा भी बनाती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। ध्यान रखिएगा हाई फ्लेम पे ही आप इस कचौरी को फ्राई करिएगा, लो फ्लेम पे बिल्कुल मत करिएगा, हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करिएगा। मतलब तेज आंच पे इसे बढ़िया से हमें फ्राई करना है। बहुत ही करारे चटपटे ही हमारे कचौरी बनती हैं, थोड़ा इसमें गोल्डन ब्राउन आने में देरी लगता है गाइस। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा करारा बनता है, लेकिन आप इसे जितना क्रिस्पी बनाएंगे उतना ही टेस्टी ये कचौरी बनती है गाइस। तो इसे हम बढ़िया से पहले फ्राई कर लेते हैं गर्म आँच पर, इसे बढ़िया से इसे फ्राई होने देते हैं और इस तरह से घुमाते हुए थोड़ा सा ऑयल को इसी कचौरी पर घुमा देंगे ना, तो अच्छे से ऑयल ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसे इसी तरह से हमें उलटते पलटते फ्राई कर लेना है। पहले आप ऑयल को घुमा लीजिएगा अच्छे से, ये जब देखिएगा ऊपर ऊपर से हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन आने लगे तो आप पलटे की सहायता से आप पलट लीजिएगा, उलट पलट के इसे बढ़िया से फ्राई कर लीजिएगा। और ये देखिए हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे, अब इसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमारी क्रिस्पी खस्ता कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हम सारे कचौरी को फ्राई कर लेते हैं, वापस से मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। ये कचौरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गाइस, इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा इस ठंडी में, बहुत ही ज़्यादा आपके बच्चे बड़े जो भी होंगे डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो इसे हम सारे इसी तरह से सारे कचौरियों को बना रहे हैं और हमारी कचौरियाँ ख़त्म होती जा रही है क्योंकि बच्चे हैं ना लूट पाट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कचौरी मैं बना रही हूँ, बच्चे लेके भाग रहे हैं। तो लीजिए हमारी कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही चटपटा फ्लेवर वाली ये कचौरी बनी है गाइस। इसे बिना चटनी के भी आप खा सकते हो, ऐसे ही चाय के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हो। तो इसे देखिए बहुत ही ज़्यादा करारा क्रिस्पी हमारा ये बना है कचौरी, इसकी आवाज़ भी मैं सुना दे रही हूँ आपको, बहुत ही करारा क्रिस्पी बना है। इसे मैं तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और यम्मी बना है गाइस। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।